हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड सी क्रिएटिविटी। फ्रेंड आज देखिए एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फांदे चाहिए और 3 फांदे एक्स्ट्रा चाहिए, और ये 8 रो का डिज़ाइन है। तो चले स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कैसे बनते हैं ये। इसके लिए मैंने इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने इसमें 6 के मल्टीपल फांदे ली हूँ और 5 फांदे एक्स्ट्रा ली हूँ, तो 17 फांदे इसमें डाली हूँ और ये 8 रो का डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट रो राइट साइड, पहला फांदे स्किप कर लिया। देखिए ये जो फांदा है, ये दोनों फांदा का बीच में से ऐसे सिलाई लेके, देखिए ऐसे अब लूप निकाल लेनी है इस तरह। ये देखिए अब सिलाई के ऊपर से धागा लेके 3 फांदे को एक साथ एक फांदे बनाना है। आगे की तरफ से लेकर पीछे से सीधा बुन लेना है 3 फांदे को एक साथ। ये देखिए इस तरह, तो 3 फांदे सीधा, 1 2 3, 3 फांदे सीधा ऐसे। देखिए एज इट इज़ को छोड़ के 1 2 3 4 5 6, यही 6 फांदे हमें बार बार रिपीट करनी है। तो चलिए देखती हूँ, फिर देखिए दोबारा ऐसे ही। देखिए इन दोनों फांदे की बीच में से सिलाई से लेकर एक लूप निकाल लेनी है। ये देखिए फिर धागे के ऊपर से, सिलाई के ऊपर से धागा लेके 3 फांदे को एक फांदे करनी है पीछे से ऐसे। ये देखिए एक करनी है फांदे को, ये देखिए एक फांदे बना लिया। फिर 3 फांदे सीधा, 1 2 3, 3 फांदे सीधा। फिर वही रिपीट, 4 फांदे बच गया हमारा। तो देखिए ऐसे लूप निकाल लिया, सिलाई के ऊपर से धागा ले लिया और तीनों फांदे को एक साथ पीछे से सीधा बुन लेनी है। देखिए और एज इट इज को सीधा बुन रहा है। फर्स्ट रो राइट साइड कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड। देखिए पहला स्किप कर लिया पहला फंदे को, और ये जो 3 फंदे हैं, ये जो 3 फंदे, इसको हम उल्टा बिन लेंगे, 1 2 3, उल्टा बिन लिया। और ये जो 3 फंदे हमने सीधा बिना था, इसको हमने धागा पीछे देकर सीधा बिन लेनी है, 1 2 और 3। इसे हमें पूरी रो रिपीट करनी है, 3 उल्टा और 3 सीधा। थ्री उल्टा, 3 सीधा, 3 उल्टा, 3 को भी उल्टा भी लेनी है। अब थर्ड रो राइट साइड, थर्ड रो फर्स्ट रो की तरह ही बिनना है। पहला स्किप कर लिया, देखिए इस बीच में से लूप निकाल लिया, धागा सिलाई के ऊपर से लेकर 3 फंदे को एक साथ पीछे से सीधा भी लेनी है, एक फंदे बनानी है। देखिए फिर 3 फंदे सीधा, 2 3, फिर लूप निकाल लेनी है दोनों फंदे में से, दोनों फंदे के बीच में से धागा सिलाई को ऊपर लेकर 3 फंदे को एक साथ लेके एक फंदे करनी है। फिर 3 फंदे सीधा,
वन टू थ्री, फिर दो फंदे के बीच में से लूप निकाल लेनी है। सिलाई के ऊपर से धागा लेकर तीन फंदे को पीछे से सीधा बीन लेनी है, एक फंदे बनानी है और एज इट इज को ऐसे सीधा बीन देनी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड सेकेंड रो की तरह बिननी है इसको। देखिए पहला स्किप कर लिया, तीन उल्टा, तीन जो सीधा था आगे की तरफ से वो उल्टा बिननी है, इधर से तीन सीधा रॉन्ग साइड से, फिर तीन उल्टा, ये फोर्थ रो रॉन्ग साइड। तीन सीधा, तीन उल्टा, एज इट इज को भी उल्टा बिन लेनी है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो फास्टर थर्ड रो की तरह बिननी है। पहला फंदा स्किप कर लिया और ये देखिए दो फंदे के बीच में से सिलाई लेके और लूप निकाल लिया, और देखिए सिलाई के ऊपर से धागा लेकर तीन फंदे को एक साथ बीन लेना है, एक फंदे कर लेनी है। फिफ्थ रो फास्टर थर्ड रो की तरह बिनना है, तीन सीधा, फिर दोनों फंदे में से लूप निकाल लेनी है, सिलाई के ऊपर से धागा लेके तीन फंदे को एक फंदे बननी है, पीछे की तरफ से सीधा बिन के, फिर तीन फंदे सीधा, चार फंदे बच गया, इसमें से भी दो एक लूप निकाल के धागा सिलाई के ऊपर से लेकर तीनों फंदे को एक साथ एक फंदे बना लेनी है, एज इट इज को सीधा बीन लेनी है। अब सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट करनी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट करनी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट कर लिया। अब सेवेंथ रो राइट साइड सीधा सीधा बीन के कंप्लीट करनी है, से सीधा सीधा बीन के कंप्लीट करनी है सेवेंथ रो। सेवेंथ रो सीधा सीधा बीन के कंप्लीट कर लिया, सिक्स्थ रो उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट किया था, सेवेंथ रो सीधा सीधा बीन के कंप्लीट कर लिया। अब एट रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट करनी है। एट रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट करनी है। देखिए सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट किया, सेवेंथ रो राइट साइड सीधा सीधा बीन के कंप्लीट किया, और एट रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट कर लिया। तो डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया, देखिए दो डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप वन टू एट रो बार बार रिपीट करेंगे तो आपका ऐसा ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। एंड में मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।